आज के आरोग्य सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी लेकर हम आए हैं जिसका नाम है शीशम। शीशम के लकड़ी के बारे में हम लोग कई प्रकार के प्रयोग करते हैं, फर्नीचर बनाने के रूप में या जलावन के रूप में, लेकिन हरी पत्तियों का क्या इस्तेमाल है, इसका क्या हम लाभ ले सकते हैं गाँव में, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। गाँव में माताओं बहनों के साथ भी रोग है, भाइयों के पास भी रोग है, ये दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी माँ बहन को लिकोरिया की समस्या हो गई हो, श्वेत प्रदर रक्त प्रदर की समस्या हो गई हो, या किसी को पेट में जलन है, धुंध है, प्रसूत की समस्या है, तो आप इसका 7 पत्ता तोड़ करके और गर्मी के दिनों में मिश्री के साथ इसका इस्तेमाल करके खिलाएंगे, और जाड़ा के दिन में शीशम का 7 पत्ता, 2 काली मिर्च और थोड़ा मिश्री, यानी जाड़े के दिन में काली मिर्च मिलाना है और गर्मी के दिन में काली मिर्च के बिना केवल मिश्री के साथ प्रयोग करेंगे, तो अभी हम जिन बीमारियों का नाम रखे हैं वो बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। लिकोरिया माँ बहनों के लिए बड़ी खतरनाक कष्टकारी बीमारी है, लगभग हर घर में माँ बहनें परेशान हैं, दवा कराती हैं फिर भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है। भाइयों में जिनको स्वप्न दोष होता है, जिनको पेशाब करते समय धात निकलने की समस्या है, और माताओं को मासिक धर्म के निमित्ताएँ हैं, उनके लिए शीशम के पत्ते का यदि इस्तेमाल खाली पेट में, बासी पेट में, जैसे मुंह धो करके प्रतिदिन 21 दिन इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जड़ से समाप्त हो जाता है। लाखों लोगों पर, करोड़ों लोगों पर आजमाया हुआ ये प्रयोग है, इसलिए आप लोग शीशम के पत्ते का इस्तेमाल करना और कराना, दोनों आप लोग भली भांति जान करके आप पुण्य कमा सकते हैं, दूसरों को आप आरोग्य प्रदान करा सकते हैं, दूसरों को आप निरोगी बना सकते हैं।